भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लक्ष्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए। पीएम मोदी ने वहां कुछ वक्त बिताया और लक्षद्वीप पर बिताए गए पलों को तस्वीरों के जरिए साझा भी किया। उन्होंने लक्षद्वीप को भारतीयों के लिए सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो हमेशा से चाहते थे कि लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास हो ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन किसे पता था कि पीएम मोदी का ये दौरा मालदीव को इतना खटकेगा कि उसके बौखलाए मंत्री भारत और पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर देंगे। हालांकि अपने मंत्रियों की गुस्ताख हरकत के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए मालदीव सरकार ने इन तीन मिनिस्टर्स मरियम शियुना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लग रही है? क्या मालदीव के नेताओं ने चीन के उकसावे पर तो ये बयान नहीं दिया? कहीं इसके पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ तो नहीं? दरअसल साल 1988 में मालदीव की सेना ने श्रीलंका के विद्रोहियों के साथ मिलकर अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम भी मालदीव की सेना के साथ जा मिला था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदेश पर ऑपरेशन कैक्टस हुआ और तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। 2014 में भी भारत ने अपने जहाजों में पानी भरकर मालदीव के लोगों की प्यास बुझाई। भारत मालदीव के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, लेकिन जब मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे दिया। मालदीव की 98% आबादी मुस्लिम है, जो कि सुन्नी है। वहीं केवल 2% अन्य धर्मों के लोग हैं, लेकिन उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मालदीव को लेकर अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाया है कि मालदीव के एक शहर में दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS का ऑफिस है, जहां से कई देशों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कहने को तो ये देश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जमीन के नाम पर इसके पास महज 298 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका है। इतना छोटा कि ये दिल्ली और मुंबई तो छोड़िए, लखनऊ के आगे भी कहीं नहीं टिकता। पर खूबसूरत इतना है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और भारत से भी हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अपनी खूबसूरती पर गुमान करने वाले मालदीव को भारतीयों ने राष्ट्र विरोधी होने पर ऐसा पटका है कि सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यहां तक कि कई ट्रैवल कंपनियों ने तो भारत से मालदीव की बुकिंग तक कैंसिल कर दी है और अपने देश में लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करने की बात कही है। दूसरी ओर ये बात भी सामने आई है कि चीन ने मालदीव को इतना कर्ज दे रखा है कि वो भी श्रीलंका जैसी हालत में आ गया है। मालदीव्स की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। अगर ऐसे में भारतीय सैलानी मालदीव्स का बॉयकॉट करते हैं तो मालदीव टूरिज्म के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा।